एथिक्स ऐसा विषय है जो किसी ने नहीं पढ़ा। एथिक्स में कई डाउट्स रहते हैं, एथिक्स में क्या हो रहा होगा, क्या होगा एथिक्स में। एथिक्स ऐसा विषय है जो किसी ने नहीं पढ़ा है भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, जो भी डिग्रियां होती हैं कम ज़्यादा सब किए हैं, लेकिन एथिक्स में कोई बीए नहीं है, एथिक्स में कोई एमए नहीं है, एथिक्स में कोई मतलब इस तरह का अध्ययन अध्यापन नहीं रहा है। तो आप जब एथिक्स सुनते हैं तो पहले मन में डाउट जाता है कि ये होगा क्या इसमें। जनरली एक रीजनिंग तो आप विकसित कर लेते हैं कि एथिक्स का मतलब है कोई लोकाचार की बात होगी, अच्छे आचरण की बात होगी, अच्छे स्वभाव विचार की बात होगी, मतलब सत्यनिष्ठा की बात होगी, ईमानदारी की बात, मतलब जितनी अच्छी बात हो सकती है वो होगी इसमें। एथिक्स का मतलब मोटा मोटा आप ये समझते होंगे कि जो भी जिंदगी में या दुनिया में जितनी खूबसूरत और अच्छी बातें होंगी उसका मतलब एथिक्स होता है। और जितने लड़ाई झगड़े देश में हुए हैं, जितने बाउंडर मचे हैं, उस सब का मतलब है इतिहास होगा। और जितने नदी, झील, झरने, समुद्र, पर्वत, हिमालय, मैदान, पहाड़, ऊंचाई, निचाई, ये सब जहाँ पढ़ने को मिलेगा भूगोल होगा। मतलब ऐसी एक छवि बनती है जब कोई चीज़ को सुनते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप संतरा खाएंगे तो भले ही संतरा, तो संतरा से आप सेब नहीं महसूस करते। संतरा का आप जो है, जो उसका कलर है, उसकी जो बनावट है, वही दिमाग में बनती है। किसी को कहा जाए कि आप संतरा खाएंगे, उसकी दिमाग में छवि सेब की बन रही है। उसी तरीके से किसी का है इतिहास पढ़ा रहे हैं और उसकी छवि भूगोल जैसी नेचर की बन रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एथिक्स में कई डाउट्स रहते हैं कि एथिक्स में क्या हो रहा होगा, क्या होगा एथिक्स में, कि जनरली इसमें क्या ऐसा पढ़ाया जाएगा। मतलब ये छवि तो आपके अंदर एक आ चुकी कि इसमें जितनी अच्छी चीज़ें होंगी, है ना, आचरण से लेकर के जो ईमानदारी और तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें ही होंगी इसमें। लेकिन सारी चीज़ें का आप ठेका लिए हैं, जितने आइडियोलॉजी चीज़ें हैं सब, क्या आप उस 250 नंबर के भीतर या पीसीएस आप उत्तराखंड देने जा रहे हैं तो उसमें जो 7वां पेपर में है, या उत्तर प्रदेश देने जा रहे हैं तो 200 नंबर में आता है, तो क्या आपने कोई अनुबंध किया हुआ है कि हम जितना एथिक्स की बातें हैं सब पढ़ेंगे? क्यों? तो एथिक्स पहली बात तो समझ लीजिएगा कि एक नैसर्गिक सिद्धांत है जो आपके अंदर जन्मजात है।